ठीक है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महंत राम सुंदर दास, और उनसे बात करते हैं, उनको भी हम अपने ऑटो की सवारी करवाएंगे और जानेंगे कि रायपुर दक्षिण में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। महंत होना अलग बात है, लेकिन जब आप प्रत्याशी बन जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपके सामने चुनौतियाँ भी हैं कि कैसे सीधे लोगों के दिलों तक जाते हैं और जो लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं वो कितना जो है वो आपके नाम पर पेटी में वोट डालेंगे, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होगा। और इसके साथ ही आम लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑटो की सवारी करिए और लोगों के बीच में जानते हैं, आम आदमी तो जो है वो ऑटो से ही जुड़ा होता है, दिन रात वो सवारी करता है, और चूंकि आम आदमी की बात है इसलिए हमने चुना है कि इस चुनाव में हम ऑटो के जरिए रिपोर्टिंग करेंगे और जानेंगे। धन्यवाद। महंत राम सुंदर दास हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रायपुर दक्षिण से, और उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि इसके पहले आपने कब ऑटो में सवारी की थी? बहुत पहले मैं किया था ऑटो में सवारी। कितने साल हुए होंगे? 21 साल पहले। 20 साल पहले जी। तो आज तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब याद आ रहा होगा 20 साल पहले, अब अच्छा लग रहा है या फिर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो पूरे समय महंत महंत वो जो वाला जो एक दिमाग में, मतलब वो आपको जो चीज़ों का पालन करना पड़ता प्रोटोकॉल, आपको लगता है थोड़ा सा हल्का? नहीं, वो तो मैं आज भी पालन करना करता हूँ, क्योंकि मैं लेकिन लोगों की भीड़ ऐसी होती है कि आप फ्री कभी नहीं इस तरह से सवारी कर पाते होंगे। हाँ, ये बात है कि ऐसा फ्री सवारी नहीं कर पाता हूँ, गाड़ी में रहते हैं या फिर पैदल भी चलते हैं। हाँ। और लेकिन ऑटो में 20 साल बाद ही बैठा हूँ। अच्छा लग रहा है आपको न्यूज़ टीम के ऑटो में बैठ? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, सेवा कार्य है। जी जी। अच्छा ये बताइए सर कि किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मुझे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस सभी वरिष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने प्रत्याशी बना के जनता के बीच भेजा है। सभी कांग्रेस जन हम लोग एक साथ मिलके रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के हैसियत से 5 साल जो विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस सरकार का जो विकास कार्य हुआ है, उसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब उनका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। अब मुझे आशा ही ने पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो कांग्रेस के पंजा छाप पक्ष में लोग वोट डाल के आएंगे। ये एक बात है कि मुद्दे जो मैंने पूछे, देखिए महंत के तौर पे सभी आपको प्रणाम करते हैं, मतलब यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, तमाम राजनेता भी आते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जो आपके सामने खड़े हैं वो भी आपको प्रणाम करते रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उस समय महंत के तौर पर प्रणाम करना अलग बात है, जब आप प्रत्याशी के तौर पर अब उतरे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना भरोसा कर पाएंगे? मुझे पूरा भरोसा जनता के बीच में, जनता के ऊपर है और जनता को पूरा भरोसा मेरे ऊपर है, क्योंकि दुहाधारी मठ में रह करके, शिवनान मठ में रह करके, जैतू साव मठ और राजू लोचन जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, और मेरे सेवा कार्य से भक्तगण प्रसन्न हैं और बोलते भी हैं कि ये कार्य हुआ, ये कार्य अच्छा हुआ। और 2 बार मैं विधायक रह करके भी जनता जनार्दन का सेवा मैं किया हूँ विधानसभा क्षेत्र में, तो उन सब बातों को देख करके, वहाँ जो विधानसभा मेरा क्षेत्र में सेवा कार्य हुआ है उन सब को देख करके जनता आकलन कर रही है और जनता ने मन बना लिया है कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे और मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक बनकर मैं सेवकाई करूंगा। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पहले तो आप विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो लास्ट तक ये बात चलती रही कि आप यहाँ से लड़ना नहीं चाहते थे, और अब तो जब ये इस तरह की बात कही जा रही है बीजेपी की, आपके ऊपर तो सीट थोप दी गई है, तो आखिर तक जो है आपका मनोबल उसी तरह से है कि नहीं मैं तो लड़ना नहीं चाहता, मुझे वो सीट मिल जाती तो? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस के एक सिपाही हूँ। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ और पार्टी ने जहाँ मुझे निर्देश दिया है उसका पालन कर रहा हूँ और पूरे मैं मनोयोग से जनता के बीच में हूँ और जनता को हम अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस के रीति नीति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो सेवा कर 5 साल किया है उसे और भविष्य करने के लिए उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, इन सब बातों को हम लोगों के बीच में कह रहे हैं। और मैं अभी जनता के बीच में हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बृजमोहन जी को अपने जनता को समझाना चाहिए, उन्होंने 7 बार सांसद विधायक रहे, 7 बार रायपुर की जनता ने उन्हें अवसर दिया है,
तो वो क्या किए हैं 7 बार में वो अपने जनता को वो बताएं, और कांग्रेस क्या क्या है उसको हम लोग बता रहे हैं। जी जी, पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं सर, पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि जो होता है ना कि पहला जो एग्जाम होता है उसके नतीजे जब पता चलते हैं दूसरे प्रत्याशियों को, साथ वालों को, तो उत्साह भी बढ़ता है और कई बार डिमोरलाइज भी होते हैं, तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तक के जो संदेश मिल रहा है, 20 प्रथम चरण में 20 विधानसभा में चुनाव हुआ, इधर ही जाना है ना, तो वहाँ से जो भी संदेश आ रहा है उसके तहत कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छी स्थिति है और कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है और 20 विधानसभा में से हम बहुत अच्छी स्थिति में पिछले समय जैसे थे वैसे इस समय भी पिछले समय ज़्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं। कल एक पूरा जो घटनाक्रम हुआ है कि बृजमोहन अग्रवाल बैजनाथ पारा से जा रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसे से उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उन पर हमला हुआ, और इसको लेकर उनका एक तरह से कहें कि जो बीजेपी लगातार कहती रही है कि ध्रुवीकरण की जो बात आरोप लगते रहे बीजेपी पे, तो उस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आपको कि मुद्दा जो है विकास है हिंदू मुस्लिम पे हो गया? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से निर्बाध रूप से उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और जाते भी हैं और जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, और क्या कुछ घटना हुआ है इसके विषय में मुझे विस्तार से जानकारी तो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई घटना हुआ है तो वह गलत है, नहीं होना चाहिए, और क्योंकि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अब बात सुने मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। सीएम कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल क्योंकि उनको लग रहा है कि सीट खसक रही है, आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस विषय में चूँकि इस घटना के संबंध मुझे कुछ जानकारी है नहीं उतनी ज़्यादा, क्योंकि जिस समय कल ये बात चल रही थी उस समय सप्रेशाला मैदान में एक कार्यक्रम चल रहा था, हाँ उसमें सीएम साहब थे, शैलजा जी थी और मैं वहाँ था, तो इसलिए विशेष रूप से मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आपकी पूरी तैयारी है क्योंकि आप तैयारी कहीं और से कर रहे थे? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, पूरे टीम और पूरे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, अकेला प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, और पूरे दमखम से हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बात को बहुत संजीदगी के साथ जनता के बीच में हम रख रहे हैं और मतदाता हमारी बात को सुन भी रहे हैं और मन बना लिए हैं कि 17 तारीख को जब वो मतदान करने जाएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में, पंजा छाप के पक्ष में वो बटन दबा करके आएंगे। एक मिनट में रोकना चाहूँगी सर, आप रूट टाइप बता दीजिए कि आप किस रूट की तरफ, इस तरफ मैं उस तरफ चलिएगा, तो चूँकि आपका भी समय बहुत कीमती है, ये कह रही थी कि आपने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी पूरा चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हावी नहीं रहेगा? देखिए, चुनाव में कभी भी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आना ही नहीं चाहिए जी। इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने, कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है, कांग्रेस भविष्य में क्या कुछ करेगी उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और विपक्षियों को भी अपने मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए, उसे कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस या फिर हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई बात ही नहीं है जी। एजाज जेबर खड़े थे, मतलब उम्मीद कर रहे थे, प्रमोद दुबे जो है वो उम्मीद कर रहे थे, आप उनसे मिलने के लिए भी गए थे, हमने दिखाया भी था, आपने वोट उनसे सहयोग की अपील भी की, लेकिन एक बात और कही जा रही है कि कहीं ना कहीं एक सामने अलग बात है, और भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, कन्हैया अग्रवाल उम्मीद लगाए थे, गुटबाजी का असर देखने में मिलेगा आपको लगता है, आपके साथ खड़े हो गए हैं वो? सबके साथ एक साथ मिल करके हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। वैसे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 32 कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था और 32 लोग यहां से टिकट चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस सभी वरिष्ठों ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो सब एकजुट होकर के हम लोग मैदान में हैं और सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सबके सहभागिता से मुझे ऐसे ही पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का सीट कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस झोली में जाएगी। मतलब आपको लगता है कि जो अभी आरती उतार रहे हैं, पैर छूते हुए दिखते हैं, स्वागत करते हुए दिखते हैं, आपको लगता है कि नतीजे वाले दिन जो है
वो यही नजारा रहेगा निश्चित रूप से। 17 तारीख को जब जाएंगे तो मैं महंत हूँ इसलिए नहीं, मैंने जो सेवा कार्य 2 विधानसभा में 2 बार रह करके किया हूँ और जो मैं मठ मंदिर सेवा कर रहा हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रख करके कांग्रेस ने 5 साल में जो कार्य किया है जनहित का, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किया है, इन सबको ध्यान में रख करके वो अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस पक्ष में करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार दोबारा बनने जा रही है ऐसे हर सर्वे के द्वारा आ रहा है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधि उस बनने वाले सरकार में सहयोगी बने, ये सब हमारे मतदाता चाह रहे हैं और उसके तहत कांग्रेस की जीत होगी। एक आखिरी सवाल है सर, हालांकि मैंने जो है वो दूसरे तरीके से पूछा था बाकी प्रत्याशियों से कि एग्ज़ाम का समय आपको याद होगा कि जब एग्ज़ाम का समय होता था तो परीक्षा के एक दिन पहले काफ़ी डर लगता था कुछ दिनों पहले, और सपने भी उसी तरीके से आते थे कि ये पेपर छूट गया, ये सवाल छूट गया, या दूसरा पेपर याद करके चला गया था और दूसरा आ गया था, इस तरह के सपने आते हैं और घबराहट भी होती है। तो आप दोनों तरह से पूछूंगी, एक तो ये कि महंत हैं आप तो जो साधु सन्यासी का जो जीवन जीना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं, हानि भी ठीक है लाभ भी ठीक है, दोनों ही तरह से मैं पूछूंगी आपसे कि पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको डर लग रहा है, घबराहट होती है या फिर? एक बात आपने मेरे से बहुत अच्छा पूछा है कि साधु संतों को किसी भी लाभ हानि से कहीं कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। हम तो उस सिद्धांत में चलते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, अब विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, उस सिद्धांत को लेकर के मैं चलता हूँ और उसी सिद्धांत लेकर के मैं सेवा कार्य भी करता हूँ। रही सवाल चुनाव की, तो कांग्रेस में प्रत्याशी हूँ और पूरे ईमानदारी के साथ अब मनसावाचक कर्मणा समर्पित होकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मुझे इसलिए कहीं कोई डर नहीं है क्योंकि मैं सवेरे 6 बजे निकल जाता हूँ और सवेरे 6 बजे निकल कर जाने निकलने का तो समय तय है 6 बजे निकलना है, लेकिन वापसी का कोई तय नहीं है। देखिए अभी भी लगभग 7:15 बज रहा है और हमको अभी 4 कार्यक्रम में और जाने का है, वापसी कोई तय नहीं है, 12 से ऊपर ही होता है, उसी रूट में चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहीं कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे इस प्रकार का कहीं कोई स्वप्न भी नहीं आता है। मैं भगवान राम को समर्पित हूँ, जब मैं मठ मंदिर 4 दीवार के अंदर रहता हूँ, भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, गौ माता का सेवा मैं अपने आप को समर्पित रखता हूँ और 4 दीवार से मठ के 4 दीवार से बाहर जब मैं निकलता हूँ तो जनता जनार्दन की सेवा में मैं अपने आप को सम्मिलित कर लेता हूँ। तो इसलिए मुझे अपने सेवा पर विश्वास है और मेरे सेवा को देख करके जनता के ऊपर मुझे विश्वास है। राम का नाम तो बृजमोहन अग्रवाल भी ले रहे हैं लगातार, जिससे मिलते हैं कहते हैं जय श्री राम और वोट देना है। देखिए ऐसा है, नाम किसके उस पर भरोसा करेंगे, किसके नाम पे? नाम लेना अलग बात है, भगवान का नाम लेना अलग बात है, लेकिन भगवान के कार्यों करना अलग बात है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में 15 साल तक के सरकार रही, माता कौशल्या जिन्होंने भगवान राम को 9 माह तक अपने उदर में रखे और उन्होंने इस धाराधाम पर उन्हें प्रादुर्भाव यहाँ लाए, उन माता कौशल्या का विश्व का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ के चंदपुरी में है, रायपुर से लगा हुआ, कोई आजकल का नहीं है वो मंदिर, वो सदियों सदियों से है, लेकिन भाजपा की सरकार में एक ईंट भी वहाँ नहीं रखा गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको इतने अच्छे ढंग से सजाया संवारा है कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष नहीं, देश विदेश के लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, भक्तगण, कि माता कौशल्या का जन्मभूमि है तो है कैसा, देखने के लिए जाते हैं, उसको सजाया संवारा गया है। गौ माता के छत्तीसगढ़ में गौ माता सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये सोच करके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रत्येक गाँव में गौठान बनाने का काम किया जा रहा है। 11,000 गाँव में गौठान बनकर तैयार है और 4,000 गौठान तो ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो गए हैं। वहाँ के महिला समूह के माताओं को गोबर खरीदने के लिए या फिर गौमूत्र खरीदने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता शासन को। उसी प्रकार से इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने 14 वर्ष के वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। उन जगह चिन्हांकित किया गया है जो 75 स्थान हैं। प्रथम चरण में 10 स्थानों को विकसित किया गया है, जो हर चौका सीतामढ़ी, ये आपका कोरिया जिले में है, और शिवरी नारायण, खरौद, तुरतुरिया और राजिम, सिरपुर, चंपारण,
सिहावा पर्वत और आपका जगदलपुर और रामाराम, ऐसे 10 स्थानों को प्रथम चरण में विकसित किया गया है। और तो इस प्रकार के राम का कार्य हो रहा है। तो जो व्यक्ति को राम का नाम लेते हैं वो अच्छा है, कि जो व्यक्ति राम का नाम भी लेता है और राम का कार्य भी करता है वो अच्छा है? इसको तो जनता को तय करना है, जनता तय करेगी। आखिरी सवाल है मेरा सर कि लीड क्या रहेगी आपको लगता है, दोनों की, कांग्रेस की भी और आपकी, आपकी विधानसभा की? मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले समय से 2018 से ज़्यादा बहुमत से और ज़्यादा विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता भी सम्मानजनक लीड दे करके मुझे अपना सेवक बनाएगी और विधानसभा भेजेंगे। तो ये है महंत राम सुंदर दास, तो जो रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी हैं, और उनका दावा है कि राम का नाम लेना अलग बात है, राम की सेवा करना अलग बात है, और सदा वो राम काज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि सिर्फ राम के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर भी वो लोगों के बीच में जाएंगे, ध्रुवीकरण जैसा कोई मुद्दा होगा वो मानते नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता जो है उनके साथ जाती है और क्या नतीजे निकलते हैं, ये तो आने वाली बात होगी। लेकिन हमने दोनों ही प्रत्याशियों से जानने की कोशिश की, खासतौर पर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों से जानने की कोशिश की कि क्या जो है उनकी उनको लगता है। अब आम लोगों से जान लेते हैं कि आम लोग जो है वो किस आधार पर रायपुर दक्षिण में वोट डालने के लिए जाएंगे। नीचे उतर के दक्षिण के लोगों के का मूड जानने की कोशिश करते हैं, एक रैंडम जो है वो सर्वे लेने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने के लिए जाएंगे। सर आप वोट डालने के लिए जाएंगे जी? वोट डालने जाएंगे वोट? हाँ बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे? मैं दक्षिण से आता हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी को। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे मुद्दे क्या, अच्छा आदमी है और बढ़िया, मतलब बढ़िया काम करते हैं, कभी भी कोई आदमी को निराश नहीं भेजते, कभी भी जाते हैं तो काम करते हैं, इतने साल से जीतते आ रहे हैं, अच्छे नेता हैं, तो उनको सपोर्ट करूंगा बीजेपी। बिल्कुल। तो और लोगों से हम बात कर लेते हैं। दीदी वोट डालने जाओगे? वोट हाँ और डालने जाएंगे हम। तो क्या सोच के वोट दोगे? किनको वोट देंगे, हम ये पूछते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे आपके दिमाग में, क्या रहेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं मैम, जैसे जनरल वालों के लिए तो कभी कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ आरक्षण आरक्षण आरक्षण, हम उसी का शिकार हुए और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आरक्षण एक मुद्दा होगा? हाँ, अच्छा ये बताइए विकास होगा कि हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। नहीं नहीं विकास मुद्दा होगा कि हिंदू मुस्लिम वाला? हाँ बिल्कुल वो तो है ही है मैम, विकास हाँ बिल्कुल है, वो तो है ही है। दाई से पूछ लेती हूँ, एक मिनट आप मुझे बस आप इनसे ले लीजिए। दाई वोट देने जाऊँ आप मन? वोट देने जाऊँ? हाँ। क्या सोच के वोट दूँ आप मन? अब क्या सोच के दे वो सब देवा ते से दे वो हम मन का कर तो कोई उम्मीद नहीं करूँ आप मन प्रत्याशी मन से? उम्मीद है
एक घंट उम्मीद करें ते देख ना का हालत हो फिर उम्मीद कर उम्मीद कर रहे हो अब मन वोट है तो मन के बात है ना बोल लो बता दो वो मन में भी रखना है मन में भी रखना सड़क बिजली पानी ये सब दिमाग में रही और जो लोग हमसे बात करते हैं कि वोट देने इलेक्शन का है ब्रजमोहन अग्रवाल जीतेंगे मैडम ये लोग सात विधानसभा हो गया भीड़ तो लाते हैं लेकिन ईवीएम में इनकी भीड़ क्यों नहीं आती है नहीं खाली वो इनके पास कोई नेतृत्व करता है ना कुछ है बीजेपी के पास हर कार्यकर्ता का नेतृत्व करता है हर कार्यकर्ता एक प्रत्याशी अच्छा तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता यूँ लग रहा है और लोगों से बात करते हैं भैया वोट डाले जाएंगे क्या मैं तो प्रचार से आ रहा हूँ अभी प्रचार से आ रहा हूँ भैया अच्छा छोड़िए किसको वोट देंगे आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि लोगों को वोट देना चाहिए आप वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को दूंगा वोट भारतीय जनता कार्यकर्ता है उनके जी अच्छा ठीक है आम वोटर के तौर पे क्या सोचेंगे आप मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा जी मुद्दे क्या होंगे मुद्दे तो चुनावी मुद्दे अभी हैं सब उसमें हैं अपना क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो में जी ये है और लोगों से बात करते हैं जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे महिला वोटर बहुत ज्यादा है महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे जिसको देख सोच कर आप वोट डालेंगे किसे देंगे ये नहीं पूछ रहे हैं अब हम लोग क्या बता सकते हैं महिला को सुरक्षा चाहिए उससे ज्यादा और क्या चाहिए यहाँ तो सुरक्षा ही महंगाई भी कम होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए भी जो है वो विकास का होगा या हिंदू मुस्लिम वाला होगा ऐसा तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है विकास का होना चाहिए भैया वोट डाले जाएंगे हाँ वोट डाले जाएंगे जी क्या सोच के वोट देंगे यही सोच के वोट देंगे कि जो नेता जी है वो हम लोग का विकास के बारे में मतलब सोचे और छत्तीसगढ़ राज्य को और आगे ले जाए वैसे छत्तीसगढ़ राज्य बाकी राज्यों की तुलना में अच्छा है इसे और अच्छा बनाने के लिए और भरसक प्रयास करना चाहिए मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मेरा वोट और लोगों से बात करते हैं सर किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे प्रत्याशी नहीं पूछ रहे हैं ना पार्टी पूछ रहे हैं किन मुद्दों को लेकर देखिए मैम मुद्दे ऐसे होते हैं कि लोगों को एक प्रकार से दिया जाने वाला प्रलोभन मैं समझता हूँ प्रलोभन होता है मुद्दे जो बनाए जाते हैं वो प्रलोभन अच्छा आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप हाँ मैम मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि आज तक जितने भी प्रत्याशी रहे हैं जितनी भी पार्टीज रही हैं जितने भी जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं तो ये विकास हमने करवाया ये कि ये निर्बाध गति से होता ही रहेगा क्योंकि जीवन ही विकास और रही बात ये है कि जो हमारे सुख दुख में साथ निभा लिया है उसको बिल्कुल हम वोट देंगे हाँ, साथ और रहने वाले मुद्दे मैटर नहीं करते मुद्दे मैटर नहीं करते जो आके जिस समय फ़ोन लगाए तो जनप्रतिनिधि उनसे मिल ले या जब मिलने जाए तो मिल ले उनका कहना है दाई वोट दे पर जाओ आप पर मैं नहीं नहीं हाँ वोट वोट क्या सोच के वोट दूँ मैं नहीं बता ये क्या सोच के वोट देंगे क्या मुद्दे रहेंगे आइए सामने आइए मुद्दा तो यही रहेगा कि बेरोजगारी का ही मुद्दा है रोजगार मिलना चाहिए बिल्कुल बड़ी दिक्कत है आपको लगता है बिल्कुल बहुत बड़ी दिक्कत है रोजगार तो सबको मिलना चाहिए और महंगाई महंगाई तो बहुत है महंगाई भी बहुत है और महंगाई के भी मुद्दा है वोट देने के लिए बेरोजगारी महंगाई ये जो है वो मुद्दे यूथ वोटर जो है वो यूथ वोटर क्या सोचकर वोट देने जाएंगे हम यही बदलाव चाहेंगे इस बार और महंगाई कम होना चाहिए और बस यही चाहते हैं परिवर्तन हो किधर परिवर्तन हो सभी क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए और बस यही चाहते हैं तो ये है और लोगों से बात करते हैं क्या सोच करके वोट देने जाएंगे अब वोट कैसा तो आप देंगे आप वोट जिसको भी देना महंगाई है देख लो इसके नाम से देना पड़ेगा और लोगों से बात करते हैं वोट दे पर जाऊँ हाँ बिल्कुल जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे जाएंगे तो क्या सोचकर आप वोट देंगे कैसे प्रत्याशी चुनेंगे आपका किसको देंगे ये नहीं पूछ रहे हैं क्या सोचोगे अच्छा प्रत्याशी हो अच्छा प्रत्याशी हो हाँ अच्छे लोग कैसे पहचानोगे अच्छा है सब ही अच्छे बोलते हैं अभी तो हाँ अभी तो सब अच्छे बोलते हैं अच्छे का पहचान पता रहता है अच्छा पहचान पता मतलब मन में रखे हो किसको वोट हाँ देना है क्या रायपुर दक्षिण में क्या मुद्दे रहेंगे आपको लगता है क्या सोच कर वोट देने जाएंगे वोट देंगे जी जो जो अच्छे से काम कर रहे हैं उसको वोट देंगे अपन आपने एनालिसिस करके रखा हुआ हाँ हाँ पहले से सोच के रखा है जी हाँ जी हाँ जी कितने महीने से पहले सोच के रखा दो महीना पहले से सोच के रखा हूँ हाँ
बिल्कुल, और लोगों से जो है भैया वोट देने जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। दक्षिण के हैं आप? दक्षिण के हैं। क्या सोच के वोट देने जाएंगे? मतलब क्या आपके दिमाग में रहेगा प्रत्याशी चुनेंगे? हमारे दिमाग में तो ये है कि अब जो भी जीतेगा तो अच्छा ही जीतेगा, अच्छा ही काम करेगा, वो पहले से भी बेहतर करेगा। वो जो भी जीतेगा कोई भी हो, आप लोग महिला वोटर सबसे ज्यादा ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट अपना प्रत्याशी चुनेंगे? भाई हम जो बाहर के हैं हमको तो पता ही नहीं है क्या। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहती? नहीं रहती, अभी नए आई हूँ मैं। अच्छा, तो वोटर आईडी नहीं बनाया आपका? नहीं मेरा। आप से ममन? आप यहीं रहती? नहीं, तीन महीने हुए आए हुए यहाँ पे। तो ये है रायपुर दक्षिण के जो प्रत्याशी है यहाँ पर, उनसे बात कर, जो वोटर है उनसे बात करने की कोशिश की हमने, और उनका कहना है कि वो जो है किसी का कहना विकास के मुद्दे को लेकर, किसी का कहना है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर वो वोट करेंगे। तो रायपुर दक्षिण में हमारा सफ़र जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगले किसी विधानसभा को लेकर हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनके प्रत्याशियों के दावे क्या है, आम लोगों के मन में क्या है और मुद्दे क्या हैं। तो मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष गीते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।